नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल दीपक हरियाणवी पर। तो दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं आपको हमारे गांव से सटी यह सड़क है, इससे ही हमारा आना जाना होता है। इस साल हो गया भाई, लग चुका 2023 और इसको पटे हुए हो गए कम से कम 19वें पट्टी थी भाई साहब, अब तक इसका कोई समाधान नहीं है। देखो, बहुत परेशान हो रही जनता। देखो ये देखो, रोड़े पड़े हैं चुगड़ देने और कोई समाधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं इसकी। पहाड़ का गेट दिया रोड, बहुत परेशान है। ये बिग्गे वाला रोड और इससे परली तरफ दो तल्ली वाला रोड है भाई साहब। जितने भी दोस्त वीडियो को देखा भाई, शेयर करें। ये दो तल्ली वाली जो सड़क है, इसमें तो बिल्कुल खड्डे हो रहे। हमारे गांव के ज़्यादातर लड़के सुबह ड्यूटी पे जो जाते हैं, वो दो तल्ली वाले रास्ते से जाते हैं। सोनीपत और पानीपत के बीच की ये सड़क लगती है भाई, कुछ हिस्सा पानीपत का कुछ सोनीपत का है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं भाई। सुबह जाते हैं बच्चे, सुबह किसी का पंचर हो जाए ड्यूटी पे, लेट हो जाते हैं, रात को आते हैं खड्डे दिखते नहीं। दो तल्ली वाली सड़क है ये, बहुत ज़्यादा खराब है भाई। किसी के भी अंडर में, जैसे PWD या किसी और, मतलब किसी विभाग के अंडर में आती है, जरूर इसकी तरफ ध्यान दे भाई। बहुत परेशान है, रात न जो बच्चे आते हैं लेट तक 8 बजे तक, कोई भी देख ले, हम बहुत देखते हैं वहाँ चौक पे खड़े हो गए। कोई कहता है टायर फट गया यार आज, कोई कहता है पंचर हो गया, तो बहुत परेशान है। सुबह जाते वक्त तो बहुत परेशानी हो जाती है, अगर किसी भाई का पंचर हो गया या टायर फट गया तो उसकी तो बिल्कुल ड्यूटी 11 हाजिरी होगी भाई। किसी का भी कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ भाई। जितने भी अपने गांव से रिलेटेड जितने लगते हैं, जितने भाई देख रहे हैं, सारे शेयर करो, इसने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि प्रशासन इसका अनदेखे भाई। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। 70% बच्चे हमारे इस दतौली वाले रोड से जाते हैं भाई, बिल्कुल फटाफट यार। अब उनके पास तो टाइम नहीं है, मैं भाई सुबह ड्यूटी पर जावा शाम ना आवे, मैं किसके पास जावा। तो भाई जरूर ये हमारा कोई भी PWD वाला, कोई भी भाग जिसके अंदर में आता हो भाई, इसकी तरफ ध्यान दे भाई जरूर। हमारे तो दो रोड लगते हैं, बिग्गे वाला वो भी फटा पड़ा, दतौली वाला ये भी फटा पड़ा, बिल्कुल फटा पड़ा। कोई समाधान नहीं इस पर जी, किसी की कोई सुनवाई नहीं है भाई। जितने नेता हैं भाई, कोई कहेगा चले जाओ जी बन जाएगा, आज लग तो बना नहीं भाई, 3-4 साल हो लिए, बहुत परेशान है। 3-4 बार तो टीप मारी उसकी, फट लिया मोटरसाइकिलों की, क्या करे, कोई सुनवाई नहीं। किसी को बोलते हैं जाके सोनीपत के अंडर में आते हैं, वो कहते हैं पानीपत के अंडर में आता है। हमारे भाई ने एक ने ट्विटर भी ट्वीट किया था उस पे, इनकी साइट पे, उन्होंने बस एक बार रिप्लाई दिया, जी सर आपने कंप्लेंट डाली थी इधर तल्ली वाली सड़क की, या जी? उसने कहा हाँ जी, अगर जी मैंने इसको आगे ट्रांसफर कर दिया है, इस पर कार्रवाई हो जाएगी भाई। एक बार उसने जवाब देने के बाद, उसके बाद कोई उसने कोई देखा ही नहीं रहा, अगर भाई कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। वो उस भाई पूरी कोशिश कर रहा, वो बिल्कुल दतौली वाली जो सड़क उसके सामने ही उसका मेन ऑफिस है, उसका मनी ट्रांसफर का, क्योंकि वही वहाँ पर उसको ज़्यादा ज्ञान है, बहुत बच्चे परेशान होते, इसलिए उसने ट्वीट करके डाला भी है सभी को। एक बार रिप्लाई दिया था भाई आपने कंप्लेंट डाली, बस उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया भाई, हमने आगे भेजी, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं भाई। जितने अपने सटे इलाके से जिसको जिसको रोड लगा भाई, जितने भाई वीडियो देखे शेयर करो भाई, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका प्रशासन का इसकी तरफ भी ध्यान हो। और ये जो जितने भाई सुबह लड़के जहाँ परेशान हुए हैं, कि भाई इसका भी समाधान हो। धन्यवाद दोस्तों।